भारत एक बहुत ही खूबसूरत सा देश है, बट ये बाहर से जितना ज्यादा खूबसूरत है, अंदर से उतना ही ज्यादा मिस्टीरियस प्लेसेस एंड मिस्टीरियस रहस्यों से भरा हुआ है। और ऐसे बहुत सारे केसेस है जो अभी भी अनसुलझी है, और वो अभी भी साइंटिस्ट लोगों के एक्सप्लेनेशन से परे है। इनमें से ही एक है द ब्लडी रेन फॉल्स इन केरला। साल था 2001 और डेट था 5 जुलाई, टाइम था दोपहर। लोग अपने नॉर्मल लाइफ की तरह ही उस सुहाने दिन का मजा ले रहे थे, और अचानक से वहां पर बिजली गिरना शुरू हो गई। और वहां के लोगों ने उसके बाद जो चीज देखा, जिसको देखने के बाद वहां के लोग आश्चर्य हो गए, और वो थी बारिश। अब आप बोलोगे कि इसमें कौन सी खास बात है, बट रुको, वो कोई आम बारिश नहीं थी, वो था खून का बारिश। जो बारिश हुआ था वहां पर, उसका कलर था एकदम खून की तरह लाल, एकदम रेड कलर। बट वो वहाँ के लोग मानते हैं कि ये खून का बारिश है, पर मैं आपको नहीं कहूँगा कि आप मेरी बात मानो। तो चलिए इसके पीछे साइंटिफिक लॉजिक को देखते हैं। उस दिन जो बारिश हुआ था, उसका जो कलर था वो एकदम रेड कलर का था। और वहाँ के लोगों ने तो ये भी बोला है कि उन्होंने येलो, ग्रीन एंड काले रेन ड्रॉप्स को भी नोटिस किया है। पहले तो साइंटिस्ट लोगों को लगा कि ये कोई खास बात नहीं है, उनको लगा कि ये जस्ट डस्ट एंड पॉल्यूशन के चलते, ये फिर किसी मीटियोराइट या फिर उल्कापिंड के कारण से ये हुआ है। उसके बाद साइंटिस्ट लोगों ने उस रेन ड्रॉप्स के सैंपल ली और उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे स्टडी किया, और उनको जो मिला वो बहुत ही दिल दहने वाला और आश्चर्य था, क्योंकि वो किसी उल्कापिंड के पार्टिकल्स नहीं था, बल्कि वो तो जिंदा पार्टिकल्स था। उनको पहले लगा कि ये रेड ब्लड सेल्स है जो इंसानों के ब्लड को बनाता है, बट साइंटिस्ट लोग कैसे पता कर पाते कि ये जिंदा है या नहीं। इसका एक ही सोल्यूशन था, डीएनए स्ट्रक्चर को नोटिस करना। और जब इसका डीएनए टेस्ट हुआ तो उन्होंने देखा कि इसमें तो डीएनए है ही नहीं, ये काइंड ऑफ अजीब सी पैराडॉक्सिकल लाइफ विदाउट लाइफ था। पर साइंटिस्ट लोगों को ये लगा कि इसकी रिसर्च इंटरनेशनल लेवल में होना चाहिए, और ये रिसर्च और भी एडवांस डिवाइस के मदद से होना चाहिए। और इसी रिसर्च को 12 साल बाद यूनिवर्सिटी ऑफ गैलामॉर्गन के दो साइंटिस्ट डॉक्टर राजवर्ड गणपप्पा एंड स्टीवर्ड हॉक ने जब महीनों के इसके ऊपर बारीकी से रिसर्च की, तो उन्हें पता चला कि इनमें डीएनए सेल्स मौजूद है। बहुत सारे पब्लिक रिपोर्ट्स में ये भी जिक्र किया गया है कि इसे धरती के किसी और जगह से भेजा गया है, या ये किसी एलियंस का काम है, क्योंकि एलियंस धरती पे अपने जो जीव है उसे पनप के लिए के भेज रहे हैं। पर मैं जानता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग मेरे इस बात पर यकीन नहीं करेंगे, बट इसकी कोई अभी भी ट्रू साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन आज तक नहीं पाया गया है। इसी तरह बहुत कंफ्यूजिंग फैक्ट्स के चलते ये आज भी बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी ना, तो इस वीडियो को आप जरूर से एक लाइक कर देना, और अपने दोस्तों के साथ इस इंफॉर्मेटिव वीडियोस को जरूर से शेयर करना। और अगर आप चैनल पे नए हो तो एकदम से जरूर से सब्सक्राइब करके पास में रहे बेल नोटिफिकेशन को भी ना ऑल पर जरूर से सेट कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ऐसे मिस्टीरियस एंड पैरानॉर्मल स्टोरीज को लेकर। तब तक के लिए बी सेफ इन द होम।